गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय जीके क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, चैप्टर आपका जीके की बुक का पेज नंबर 31 द यूनाइटेड नेशन, आपको ये बुक में भी फिल करना था और कॉपी में भी काम करना था। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। अब हम चैप्टर 25 वर्ड वाइज, शब्द के अनुसार, पेज नंबर 33 आपकी जीके की बुक का आज हम ये करेंगे। आपको ये कार्य, ये होमवर्क आपको सिर्फ आपकी बुक में ही फिल करना है, कॉपी में नहीं करना। इस चीज़ का ध्यान देंगे, जो काम मैं आपको बता दूंगी कि जो काम आपको कॉपी में करना है वो कॉपी में करना है, और जो बुक में फिल करना है बुक में, और जो काम आपको कॉपी और बुक दोनों में करना है वो आप कीजिएगा। आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, उनमें से आपको क्या करना है, आपको थ्री ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको एक पर राइट टिक करना है, जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव लाइक अ चाइल्ड। किसी एक्सट्रीम ओल्ड एज हो जाती है जिसकी वो बच्चे की तरह बिहेव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन है इम्बेसिलिटी, सेकंड सेनिलिटी, सी ऑप्शन है आपका डोटेज। आंसर इज डोटेज, उसको क्या कहते हैं, डोटेज कहा जाता है। सेकंड, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, कौन सा करेक्टेड नहीं है। अनइंटेलिजिबल, बी है इनडेलिबल, ऑप्शन सी है इनकॉरिजिबल। आंसर इज इनकॉरिजिबल पे आप टिक करेंगे। थर्ड, ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। एक पर्सन ऐसा जिसकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बहुत अच्छी हो और रीजनिंग पावर भी बहुत अच्छी हो, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एक्सपर्ट, ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल, ऑप्शन सी लिटरेट। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल, उसको इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। फोर है स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। जिस राज्य पर कई लोग शासन करते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मोनार्की, ऑप्शन बी प्लूटोकैरेसी, ऑप्शन सी ओलिगार्की। आंसर आएगा ऑप्शन सी ओलिगार्की, आपको उस पर टिक करना है। फिफ्थ है ए पर्सन हु नॉन मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं उनको क्या बोलते हैं, फॉरेन लैंग्वेज आती है। ऑप्शन दिए मैं आपके लिंग्विस्ट, ऑप्शन बी ग्रामरियन, ऑप्शन सी बी लिंगुअल। तो आंसर इज ऑप्शन ए लिंग्विस्ट बोलते हैं उसको। सिक्स है वन हु ईट्स वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। एक ऐसा पर्सन जो वेजिटेरियन फूड भी खाता है नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए आपको ओमनिवर्स, ऑप्शन बी इरिजिस्टेबल, ऑप्शन सी ओमनीसिएटर ओमनीसिएंट। आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए ओमनिवर्स, उनको सर्वाहारी बोलते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं। सेवन है ए ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, एक ऐसी ड्राइंग जो ट्रांसपेरेंट पेपर पे बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए रेड प्रिंट, ऑप्शन बी ब्लू प्रिंट, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंसी। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी, जहाँ से सबको दिखाई देता है।
एट है वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो लड़ने का शौक रखता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मिलिटेंट, ऑप्शन बी अग्रेसिव, ऑप्शन सी बेलिकोस। आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी बेलिकोस, उस पर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। एक शॉप है छोटी, वहाँ पे फैशनेबल कपड़े मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान मिलता है, बेचा जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं स्टोर, ऑप्शन बी स्टॉल, ऑप्शन सी बुटिक। तो आंसर क्या आएगा? बुटिक, उसको क्या बोलते हैं? बुटिक कहा जाता है। 10 है दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनसेंसिबल, ऑप्शन बी इनविजिबल, ऑप्शन सी अनसीन। तो उसको क्या बोलते हैं? आंसर इज ऑप्शन बी आएगा, इनविजिबल। 11 है ए डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट, ऑप्शन बी मैन्यूस्क्रिप्ट, ऑप्शन सी हैंडीवर्क। तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन बी मैन्यूस्क्रिप्ट, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। आपको ये काम अपना बुक में ही फिल करना है, कॉपी में नहीं करना, और डेट भी डालनी है आपको बुक के ऊपर। ओके okay?